किसी भी रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब सेंटर है, वो प्रेम नहीं है. उसका जो कोर है वो लव नहीं है, वो सम्मान है. एक तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा नोशन है कि जो हमारे माता पिता हैं, जो पुरानी जनरेशन्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुराने कल्चर हैं, दे आर वेरी ओल्ड फैशन. चाहे न जाने वो हमारे जीवन में कितना बेनिफिट दे सकते हैं, पर क्योंकि वो पुराने हैं इसीलिए दे आर नॉट फॉर अस. आज सुबह मैं रेणुका जी की प्रोफाइल को विजिट कर रहा था, इनके वीडियोस देख रहा था, और मुझे लगा कि जो इंडियननेस है, जो भारतीयता है, उसको उस पर ये काफ़ी काम कर रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं संस्कृत के साथ. और भी जो इनकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड जो बिल्कुल डिफरेंट थी, एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी से और ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र इन्होंने किया, तो आज हम मास्टर या हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे खुद ही जो है उनके बारे में सुनेंगे. वो बताएंगे कि अपने सफ़र के बारे में एक संक्षेप में. जी, जो ये यात्रा है, जो एक आध्यात्मिक जो ये जर्नी है, इसका प्रारंभ तो कुछ 11 इयर्स पहले हुआ. पर अगर आप मेरे और बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे तो मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ है. मैंने अपनी स्कूलिंग और अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स में, जैसा कि आपने बताया, की है. साथ ही साथ व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड, मेरी माताजी ने मुझे रोलर हॉकी में डाल दिया था. और उसका फल ये था कि क्योंकि शुरू से ही एक चीज़ के प्रति आकर्षण था, तो इंडिया की नेशनल टीम में भी 2 बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमने रिप्रेजेंट किया है, एशियंस एंड वर्ल्ड कप में. इंटरेस्टिंग जर्नी है जी. और साथ ही साथ जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, तो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड से मैंने अपनी मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट किया, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में रहा. तो बहुत ही सामान्य किसी भी एक स्टूडेंट की जैसे जर्नी होती है. पर राधा रमन जी ने शुरू से ही बड़ी कृपा अपने जीवन में दिखाई है, हर चीज़ में एक बहुत ही आगे तक लेकर गए. ऐसा लगा कि आई थिंक इससे ज़्यादा एक स्पोर्ट्स व्यक्ति के लिए अपने देश को रिप्रेजेंट करना, एक स्टूडेंट के लिए अच्छे कोर्सेज को करना, अच्छे स्थान पे जाके पढ़ाई करना, वो सब कुछ बड़ा सहजता से जीवन में उतरता गया. और उस समय तो इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि क्या पात्रता है. उस समय तो केवल यही लगता था कि हमारी मेहनत है, हम कर रहे हैं. पर धीरे धीरे जब महाराज श्री जीवन में आए, बड़ी अच्छी प्लानिंग थी, जैसे हर बच्चा करता है. मास्टर्स के बाद अमेरिका जाने का प्लान था, DHL में इंटर्नशिप फाइनल हो चुकी थी, 3 महीने बाद ज्वाइनिंग करनी थी. फेब्रवरी में आई थी, जून में ज्वाइन करना था, और उसके बीच में ही पूरा जीवन बदल गया. पूरा जीवन बदल गया. और आपने इंडियननेस को बढ़ावा देने वाले काम स्टार्ट कर दिया. नहीं, उस समय तो पहले मैंने खुद इंडियननेस को जाना है जी. इंडियननेस, इंडियन तो बहुत प्राउड थी, तभी भारत को रिप्रेजेंट करने में भी बड़ी मेरी इच्छा थी. पर जो आज हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आप कह लीजिए अध्यात्म को हर एक छोटे से छोटे बच्चे तक पहुंचाना, या फिर अपनी इंडियननेस जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए प्राउड फील करना, इन सब चीज़ों के कम अक्रॉस मैं कुछ 11 इयर्स पहले ही आई हूँ, जब मेरी महाराज श्री से भेंट हुई, जब महाराज श्री मेरे जीवन में आए. पहले राधा रमन जी इनविजिबल होकर कृपा कर रहे थे, पर फिर जो हमारे राधा रमन जी हैं वो फिजिकल फॉर्म में आ गए. रेणुका जी जी, आप जब से बात कर रही हैं जी मुझसे, आप कृष्ण के उस स्वरूप की बात कर रही हैं, राधा रमन जी नॉर्मली जी, आप श्री कृष्ण नहीं कह रही हैं जी. इसके पीछे क्या कि आप वृंदावन से कनेक्ट हैं इसलिए जी, राधा रमन ही क्यों, क्योंकि कृष्ण का यही स्वरूप क्यों? क्योंकि राधा रमन जी ही एकमात्र मेरे हैं और मैं उनकी हूँ.
आप अगर किसी के भी देखिए, इस दुनिया में अगर मैं आपको एक संसारिक एग्जांपल दूं, दुनिया में लड़के बहुत से हो सकते हैं, अलग अलग तरह के दिखने वाले, अलग हाइट के, अलग रंग के, अलग बैकग्राउंड से, पर आपका पति हमेशा एक ही होता है। वो एक पर्टिकुलर इंसान ही होता है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, जिसका एक पर्टिकुलर ऑरा होता है। वैसे ही श्री कृष्ण के भी, अगर मैं आपको इस संसारिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि श्री कृष्ण के भी बहुत सारे रूप हैं, वो वारहा भी हैं, वो राम भी हैं, वो कृष्ण भी हैं, वो वामन भी हैं। ये सवाल पूछा कि इतने सारे स्वरूपों में से राधा रमन ही क्यों? क्योंकि राधा रमन जैसे उन सब में आपकी जो संसारिक दृष्टि में पति एक है, वैसे ही इस पूरी संसार में जो मेरे परम पति हैं, या आप कह लीजिए हमारे जो परम इष्ट हैं, वो एक ही हैं। वो कृष्ण के भी बहुत से मूड्स में श्री राधा रमन जी हमारे इष्ट हैं, हमारे पर्टिकुलर हमारे हैं। यानी कि उसी सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा को आपने सब कुछ बना रखा है और राधा रमन के रूप में बिल्कुल शामिल किया आपने जी, वो हमारे इष्ट हैं। बहुत अच्छे रेणुका जी, एक इंटरेस्टिंग बात रेणुका जी के वीडियो से जब मैं गुजर रहा था, मैंने देखा कि इनको संस्कृत के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे परिवार संस्कार या फैमिली या कल्चर पर आपने काफ़ी अच्छे विचार अपने व्यक्त किए हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास अगर पाश्चात्य और पूर्वी सभ्यताओं की बात की जाए तो दोनों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो परिवार का आता है, या त्याग और भोग की संस्कृतियों की बात आती है। रेणुका जी, आपको क्या लगता है कि भारतीयता जब शब्द या हम इंडियननेस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इस त्याग या भोग की संस्कृतियों का कोई अंतर है वास्तव में? जैसे वेस्टर्न भोग की संस्कृति मानी जाती है और हमारी संस्कृति त्याग की रही है जी। तो भारतीयता जब हम बात करें तो त्याग या भोग या परिवार सिस्टम का क्या मतलब है? जी देखिए, जीवन में अगर आप प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, जीवन में प्रोग्रेशन कब आती है? जब आपके पास एक बैलेंस्ड माइंड है। बैलेंस्ड माइंड वो माइंड है जो आपके जीवन में सही और गलत का निर्णय लेने में आपका सहायक होता है। पर उस बैलेंस्ड माइंड को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी तप यज्ञ हमारे पूर्वजों ने किए हैं कि वो, उनको हम साधु संत, एक साधु एक सामान्य व्यक्ति से कैसे भिन्न है। वो संतुष्ट है, उसका जीवन में किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं है, उसका जीवन में किसी के प्रति भी अट्रैक्शन नहीं है, वो हर तरह से सम है। पर इस स्टेट तक पहुंचने के लिए बहुत तप लगता है, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, कृपा का आपको प्राप्त करनी पड़ती है। तो जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो पूर्व से ही हमारा जो कहते हैं, महर्षि बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो भारत है वो पूरे विश्व का मंदिर है। जैसे हर अमेरिका हो सकता है वो डेवलपमेंट का स्थान हो सकता है, चाइना हो सकता है वो प्रोडक्ट्स का स्थान हो सकता है, पर जब भारत की बात आती है, भारत को सब उसके धर्म कल्चर के रूप में जानते हैं और यही हमारी सनातन धर्म की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। पर हम जब त्याग की बात करते हैं, देखिए आप कोई भी फील्ड में एक्सेल कब कर सकते हैं? आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अच्छे कैसे बन सकते हैं? जब आप MBBS करेंगे, MBBS करके आप उस पर्टिकुलर विषय में जिसमें आप डॉक्टर बनना चाहते हैं उसकी स्पेशलाइजेशन करेंगे, एंड हेंस फोर्थ यू विल बी अ डॉक्टर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। वैसे ही अगर आप अपने कल्चर को, इंडियननेस को, भारतीयता को, अगर आप उसका प्रचार करना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। और उसमें से सबसे पहली चीज़ ही अगर मैं कहूँ तो वो त्याग है। क्योंकि जब आप त्याग कर देते हैं, जब आप इस परंपरा के अंदर आकर इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस किसी चीज़ को जोड़ने से नहीं, चीज़ों का, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों का त्याग करने से है, तो व्यक्ति जैसे जैसे जीवन में हल्का होता जाता है वैसे वैसे ही उस आनंद को, उस हैप्पीनेस को फील करने लगता है। बट समवेयर आई थिंक इन आवर करंट कल्चर ये ऑपोजिट साइकोलॉजी चल रही है, क्योंकि हम सोच रहे हैं मे बी
इसको जोड़ने से बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ पर मैं कहती हूँ कि आप जीवन में कितनी से कितनी लग्जरीज को अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए, आपको शांति हैप्पीनेस तो त्याग से ही मिलेगी। रेणुका जी, सबसे इंटरेस्टिंग एक मुद्दा होता है आज का, जो आज की जो पीढ़ियाँ हैं जी, जिसको हम जेन जी कहें या अल्फा जनरेशन से जो भी जी ये आ रही, इन्हें उपयोग सिखाया जा रहा है टाइप ऑफ। अब इस मोबाइल पीढ़ी को, जनरेशन को, उपयोग के अलावा और उपभोग के अलावा अगर हम त्याग की बातें बताएं तो क्या वो पसंद करेंगे? वो कैसे उस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो आजकल की ये है कि आप अगर बाहर जाके देखें तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी, देखिए हर एक चीज़ का बेनिफिट भी है और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। देर इज़ नथिंग जो कि 100% बेनिफिशियल है या 100% ही उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस जो करंट पीढ़ी है, इसको आप त्याग के बारे में या फिर अपनी संस्कृति के बारे में बता पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये वो जेनरेशन है जो इंस्पायर होना जानती है। आप किसी को भी ये बताकर कि तुम्हें ऐसा करना है, आप बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपने घर में ही जो आपके बच्चे हैं उनको भी अगर आज आप कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी वो नहीं पढ़ेंगे जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत ही इजीली वो उस चीज़ से इंस्पायर हो जाएंगे जो आप कर रहे हैं। अगर आज आप घर में एक पर्टिकुलर बिहेवियर से रह रहे हैं और अगर आप अपने बच्चों को उस बिहेवियर के ऑपोजिट जितना मर्जी डांट के फटकार के मार कर उनको चलाने का कोशिश करेंगे, वो उस चीज़ को केवल उस समय तक फॉलो करेंगे जब तक आपकी दृष्टि उन पर है। द मोमेंट यू टर्न योर बैक, यस, द मोमेंट यू टर्न योर बैक दे आर गोना परफॉर्म, वो उसी उस चीज़ को बिल्कुल उस तरीके से करने लगेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आज की जो अल्फा जनरेशन है, जनरेशन जी है, उसको हम बताने पढ़ाने की जगह अगर इंस्पायर करेंगे, आजकल आप देखिए कितने सारे यंग स्पीकर्स हैं जो इतनी लॉजिकल बातें करते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप वीडियोस देखें, स्वयं महाराज श्री इज ऑल्सो वेरी यंग, उनके वीडियोस देखें तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं कि कैसे इतनी वर्ल्डली एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे हर चीज़ रेडली अवेलेबल है, जस्ट क्लिक करके आपके पास हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है, उस फास्ट जिंदगी में भी कैसे अपने आप को धैर्यवान रखना है, कैसे अपने उस पेशेंस को लूज़ नहीं करना। आजकल तो कहीं पर 5G की जगह 4G इंटरनेट हो जाता है और खुलने में 1 से 2 सेकंड भी लग जाते हैं तो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है। तो इन चीज़ों को, इस जनरेशन जी को समझाने के लिए आई थिंक हमें उन्हें इंस्पायर करना पड़ेगा। संस्कृत निमाई पाठशाला आपने शुरू किया जी, प्राचीन भारतीय पद्धति या प्राचीन भारतीय भाषा, इन संस्कृत जो सदियों से उपेक्षित रही, इसमें आपके काम करने का पर्पस क्या था? एग्जैक्टली ये किसी उद्देश्य के साथ जी, क्योंकि संस्कृत तो एक बहुत लोगों के लिए दुर्बोध लगती है, उन्हें समझ में ही नहीं आती, ना वो बोल कोई उसे बोल सकता है सामान्य जन, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग परिष्कृत भाषा जिसमें भारतीय शास्त्र हैं जी, सनातन की सारी जो है परंपराएं संरक्षित हैं। तो आपका उद्देश्य क्या था, कैसे संस्कृत को अपनाया आपने? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी खजाने तक पहुंचना चाहते हैं और वो खजाने को तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आपको किसी भी भाषा में एक मैनुअल के द्वारा दे दिया गया है, तो अगर आपको अपने जीवन में उस खजाने को प्राप्त करना है तो आपको उस भाषा को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको उस खजाने तक का यात्रा और कोड मिलने वाला है। तो संस्कृत आपके जीवन रूपी खजाने की मैनुअल है। अगर आप चाहते हैं कि आप लिटरली ये जाने कि जीवन का कारण क्या है, क्या केवल उपभोग करना, क्या केवल घूमना, क्या केवल अपने शरीर को, अपने डिज़ायर्स को तृप्त करना ही एकमात्र इस मनुष्य जीवन का
अल्टीमेट गोल है? नहीं, आपके आप जानते नहीं हैं कि भगवान की कृपा से आपको कितनी दुर्लभ अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। महाराज जी कहते हैं 84 लाख 84 लाख योनियां इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो मनुष्य जीवन है ये 84 लाखवीं ही योनि है। अगर आपने ये अपना जन्म साध लिया, अगर आपने इस जन्म, देखिए अभी तक आपके जो जन्म हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, आपके कर्मों के कारण, जो आपका आपने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं आपने अलग अलग योनियों में जन्म लिया। पर जैसे जैसे मनुष्य अच्छे कर्म करता जाता है तो उसकी जो योनि है वो भी परिष्कृत होती जाती है, बदलती बदलती जाती है। तो आपने अपने जीवन में एक समय पर ऐसा निश्चित रूप से कोई कार्य किया है जिस कारण से आपको मनुष्य देह प्राप्त हो चुका है, पर अब ये देह प्राप्त करने के बाद क्या फिर से आप ऐसे कर्म करना चाहेंगे कि आप फिर से वही बिल्ली, वही चिड़िया, वही कुकुर, उस प्रकार की योनियों में दोबारा जन्म लें? तो ये सब चीज़ों से लोग, जैसा कि आपने कहा, इतने फास्ट हैं अपनी लाइफ्स में कि किसी के पास वो समय ही नहीं है कि एक क्षण रुक कर ये सोचें व्हाट नेक्स्ट। एट मोस्ट 70 ईयर्स, 80 वर्ष बहुत अच्छा हेल्थ का ध्यान रखते हैं भैया, बहुत हेल्दी व्यक्ति हैं, तो 100 वर्ष, व्हाट आफ्टर दैट? नॉर्मली 100 वर्ष अधिकतम, मतलब ये आप तो, ये हम निमाई पाठशाला के माध्यम से आपको एक क्षण रोक के केवल ये सेल्फ चेक करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो जीवन जी रहे हैं ये जीवन आपको आगे कहाँ ले जाने वाला है। क्या आपको लगता है जैसा जीवन आप जी रहे हैं वो जीवन आपको कहीं ना कहीं आपके अल्टीमेट गोल की तरफ ले जा रहा है, कि आप भी उसी तैयारी में हैं कि आज इसको नीचे गिरा दिया, आज उसको हर्ट कर दिया, आज इससे आगे चले गए, आज इसके प्रेम ने उसको मार दिया, क्या इन्हीं चक्रों में आपने अपने आगे के सब जीवन को भी खराब कर लिया? तो हम निमाई पाठशाला के माध्यम से बहुत चीज़ें, जो यंग जेनरेशन्स हैं, जो निमाई पाठशाला में बहुत छोटी उम्र से बच्चे जुड़े हैं, और बड़े से बड़े मैं आपको बताऊं तो 94 ईयर्स ओल्ड हमारी ओल्डेस्ट माता जी हैं जलंधर से, तो वो सभी लोग इससे जुड़े हैं। और इसके माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें, जैसे कि जो आपका नोशन है कि संस्कृत बड़ी कठिन लैंग्वेज है, आप मेरी क्लास के अगर चौथी 4 वर्ष के बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको 100 श्लोक ऐसे सुना देगा, जस्ट बिकॉज कि जैसे हमारे लिए, देखिए जितनी मुश्किल इंग्लिश है, जितनी मुश्किल हिंदी है, जितनी मुश्किल एक नए बालक के लिए करवट पलटना है, केवल उतनी ही मुश्किल संस्कृत भी है। पर क्योंकि ये हमारी रूट लैंग्वेज है, क्योंकि पुरातन समय से इस लैंग्वेज को हमारे आज, एक तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा नोशन है कि जो हमारे माता पिता हैं, जो पुरानी जनरेशन्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुराने कल्चर हैं, दे आर वेरी ओल्ड फैशन्ड। चाहे न जाने वो हमारे जीवन में कितना बेनिफिट दे सकते हैं, पर क्योंकि वो पुराने हैं इसीलिए दे आर नॉट फॉर अस। ये सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए संस्कृत आपने देखा होगा कि जी, भारत की सनातन परंपरा की वाहक होने के बावजूद उपेक्षित भाषा सबसे ज्यादा रही है। बिल्कुल। और चूंकि आप निमाई पाठशाला, तो मेरा भी इंटरेस्ट हुआ कि भाई आप निमाई पाठशाला चला रही हैं, संस्कृत को बढ़ावा दे रही हैं, सनातन की परंपराओं को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें इंडियननेस वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि ओवरऑल जिन जिन बातों पर आप फोकस कर रही हैं वो सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें कि जब आप संस्कृत पढ़ते हैं ना, देखिए आप आजकल बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि कुछ वर्ड्स का उच्चारण करें तो ये हो जाता है, कुछ वर्ड्स का उच्चारण करें तो वो हो जाता है। मैं आपको साची कहती हूँ, आप अगर संस्कृत के श्लोक सहज सहज आप किसी से भी जुड़े, देखिए आप जैसे, मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है, पर बहुत से लोग कहते हैं
आप कॉन्वलेक्सा बोलिए, कॉन्वलेक्सा बोलिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं आपको साची कहती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप ये बोल के तो देखिए आपके जीवन में जिस ऊर्जा को आप प्राप्त करेंगे, जिस पॉजिटिविटी को, ये बोलने मात्र से इनका ऑरा, इनका वाइब्रेशन ऐसा होता है कि आपके जीवन में नेगेटिव, जैसे आप कहते हैं ना कि आप मस्कीटो रेपेलेंट को छिड़कें तो मस्कीटो चाकर भी आपके आसपास भी नहीं आ सकते। इन वर्ड्स का, इन संस्कृत के श्लोकों का, इन शब्दों का उच्चारण ही ऐसा है कि दे आर सो पॉजिटिव कि आपके जीवन में देखिए आप ये बोलेंगे ये आ जाएगा, वो करेंगे वो आ जाएगा, ये करेंगे ये चला जाएगा। ये मेरी तो समझ के बहुत बाहर का विषय है। मुझे लगता है जिस दिन एक व्यक्ति अपने अंतःकरण में संतुष्ट हो जाता है, अपने अंतःकरण में वो पीसफुल हो जाता है, अपने अंतःकरण में वो समझ जाता है कि इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो प्रसन्न रहे, और वो प्रसन्नता जो है वो बाहर कहीं उसे मिलने नहीं वाली। आज प्रसन्नता बाहर ढूंढने चलेंगे ना, खुशी, प्रोग्रेस, पीस, एप्रिसिएशन, तो सदा आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे। पर जिस दिन आपने अपनी खुद की पावर को, आपने ये समझ लिया कि जिस चीज़ को आप अंदर बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस दिन आपने उसको अंदर खोजना शुरू किया, तो आप सोच देखेंगे कि जर्नी भी बहुत छोटी है और मज़ा भी बहुत है। क्योंकि जब आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, तो ये सब चीज़ें हम निमाई पाठशाला में बच्चों को सूत्रों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से समझाते हैं, और बड़ी सहजता से वो उसे अपने जीवन में, उसे उसके मॉरल को उतार लेते हैं। जिन स्टोरीज को आप पाठशाला में जी बच्चों को बताते हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे बता रही हैं आप 94 इयर्स जी दादी जी हैं, जी वो भी जो है उसमें शामिल हैं, जी तो exactly वो जो स्टोरीज होती हैं वो क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट की होती हैं या सुपरमैन या इस तरह की जो जी बिल्कुल सुपरमैन की होती हैं। पर सुपरमैन हमारे जो सनातन धर्म के रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म के जो हमारे साधु हैं, संत हैं, उनकी जीवनी के ऊपर हम सूत्र स्टोरीज बताते हैं, और मॉडल स्टोरीज के माध्यम से भी। क्योंकि आजकल जब भी किसी संत का नाम लिया जाता है या किन्हीं साधु का नाम लिया जाता है, या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स में श्री राम हैं, श्री मन भगवान है, उनके जीवन से हम जब सूत्र उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम सुन के, जैसा कि मैंने कहा कि पुरातन से आप कुछ नाम लेते हो, बच्चे आधा तो शटर वहीं बंद कर लेते हैं कि दिस इज नॉट फॉर मी, प्लीज वी आर नॉट सो ओल्ड फैशन, टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, टॉक अबाउट लॉजिक, एंड देर इज सो मच लॉजिक इन एवरी थिंग। आजकल आप देखें हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं, उनमें जिस पर जितने लॉजिक्स हैं, जितनी इन्वेंशंस आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका खुलासा तो कितने वर्ष पहले हमारे स्क्रिप्चर्स में हो चुका है। पर हमारी स्टोरीज के माध्यम से हम बच्चों को अपने करंट लाइफ में, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, आजकल बहुत बड़ी एक शोक की बात जो हमको लगती है, सनातन संस्कृति कहती है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो कहीं ना कहीं जिनमें भगवान का हम पहला रूप जिन्हें एक्सपीरियंस करते हैं वो माता पिता, माता पिता के रूप, उन्हीं के ही बच्चे आजकल इतने विरोध में आ गए हैं। उनको अपने जीवन के सपोर्टर्स और पिलर्स की जगह उन्हें अपने जीवन के ऑब्स्टेकल्स और ऑब्स्ट्रक्शंस मानने लग गए हैं। तो हम लोग इन सूत्रों के माध्यम से उन्हें रियलिटी चेक देते हैं, उन्हें ये पुनः याद दिलाते हैं कि उनके पेरेंट्स कौन हैं। तो जैसे हमारी पाठशाला में एक स्टोरी हम सुनाई अभी मैंने लास्ट क्लास में, कि एक बार एक बालक, यंगस्टर, एनर्जेटिक, पूरा एंथुजियास्टिक, बड़ा अपने कॉलेज जाता, उसके सब फ्रेंड्स गाड़ी में आते, कुछ बाइक्स में आते, तो घर गया और अपने पिताजी से लड़ने लगा कि आप मुझे बाइक दिलाओ, मुझे बड़ा अशेम्ड फील होता है, मैं बस में जाता हूँ, मेरे सब फ्रेंड्स बाइक से आते। उनके पिताजी ने उसे गुस्सा कर दिया कि तुम जानते नहीं हो हम मिडिल क्लास हैं, कैसे मैं घर चलाता हूँ, डांट ढूंढ के उसे भेज दिया। अब वो बालक, जैसा कि आज के बच्चे होते हैं, बड़ा गुस्सा आ गया, ये तो मुझे समझते नहीं हैं, ये मेरी हर सक्सेस, मेरी सक्सेस के अंदर जलते हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी सोच के साथ वो कमरे में गया। बड़ा ही रुष्ट था, बड़ा ही क्रोधित था, कल सुबह मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। सुबह उठा, देखा बाहर गया तो पिताजी घर पर नहीं थे,
जल्दी जल्दी में इतना क्रोध में था कि जल्दी जल्दी में अपनी चप्पल की जगह पिताजी के चप्पल पहन के चल पड़ा और सोचा कि जाऊंगा बस की टिकट तक तो खरीदना पड़ेगा, तो ऐसा करता हूँ इनका वॉलेट ले जाता हूँ। वॉलेट पिताजी घर भूल गए। अब उनका वॉलेट उठा के चल दिया और चलते चलते गुस्से में चल रहा था पहले तो, फिर थोड़ा जब शांत हुआ तो देखा पिताजी के जूते पहनाए। अभी पिताजी के लिए मन में इतना क्रोध था कि जूते उड़ा उड़ा के रोड पर फेंक दिए और फिर नंगे पांव चलने लगा। अब चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया। अब जैसी कांटा चुभा खून आने लगा तो देखने लगा कोई केमिस्ट मिल जाए, जाकर दवाई लगाऊं। तो गया केमिस्ट पे, दवाई ली और अभी वॉलेट खोला ही था तो वॉलेट खोलते ही और गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वॉलेट का साइज तो बहुत मोटा था पर अंदर रुपए केवल 100 रुपए थे। इतने कंजूस मेरे पिताजी, मतलब केवल 100 रुपए रखे हैं वॉलेट में, पर वॉलेट बड़ा मोटा था तो देखने लगा कि मोटा है क्यों। तो देखा उसमें बड़ी सारी पर्चियां थी, तो पहली पर्ची निकाली तो देखा कि वो बिल था लोन का, जो पिछले वर्ष उसके पिताजी ने लिया था उसको एक लैपटॉप दिलाने के लिए, जो अभी भी हर मंथ उसके पिताजी उसका इंस्टॉलमेंट देते उसका हिसाब था। फिर खोलने लगा, रसद का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, इतने बिल पे बिल उसके पीछे के पीछे खड़े थे। और मनी मन जैसे बिल खुलते गए, मन में ग्लानी उत्पन्न होती गई कि अरे मैं तो जाके केवल डिमांड कर देता हूँ पर मेरे पिताजी न जाने कैसे घर चलाते हैं, कभी सोचा भी नहीं। समर्पण और उस लगन के साथ वो किए जा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। और आखिरी स्लिप खोलकर तो आंखों से आंसू आ गए जब देखा कि एक मोड़ा हुआ एक न्यूज़पेपर का कटिंग था और उस न्यूज़पेपर की कटिंग में एक इश्तेहार लिखा था कि पुराना स्कूटर दे जाओ, नई बाइक ले जाओ। ये पढ़ते ही वो समझ गया कि ये मेरे पिताजी ने एक स्कूटर, जो उन्होंने अपने पूरा जीवन हर चीज को बेच दिया पर वो स्कूटर क्योंकि मेरी दादी उस पर बैठती थी कभी बेचा नहीं, वो समझ गया शायद मेरे पिताजी वो स्कूटर बेचने गए। दौड़ के घर वापस गया, घर पे पिताजी नहीं थे। तो उसने देखा उस इश्तेहार के अंदर एड्रेस लिखा था जहाँ पर वो पुराने स्कूटर लेते हैं। दौड़ के उस स्थान पर गया, देखा पिताजी अपना स्कूटर वहाँ खड़े हुए थे और नई बाइक लेने की पूरे प्रयास में ही थे। वहीं जाकर तुरंत अपने पिताजी के चरणों में लेट गया, क्षमा मांगने लगा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि पिताजी आप कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, इतने बच्चे, घर का काम, घर का पूरी व्यवस्था, हर चीज़ पर कभी भी आपने हमसे कभी नहीं कहा कि मुझे कोई दिक्कत है। पर आज मैं इस चीज़ के लिए बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपसे आपके बारे में ना कभी पूछ कर कि मैं आपको कैसे आपकी मदद करूँ, पर केवल आप पर प्रेशर ही बनाता गया। तो आप प्लीज़ ये स्कूटर मत बेचिए, मैं खुद कमाऊँगा और खुद उस बाइक को खरीदूँगा। ये कहकर देखिए, इन स्टोरीज़ के माध्यम से हम केवल बच्चों को, वो कहते ना कि जो रिलेशन बिल्डिंग है, रिलेशन बिल्डिंग, और मुझे लगता है कि आप जो बताना चाहती हैं जी पीढ़ियों को, जनरेशंस को, वो कर्तव्य बोध, बिल्कुल सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करें बल्कि कर्तव्यों की बात करें जी। मुझे लगता है सनातन की सबसे बड़ी सुंदरता है ये जी कि हम अथॉरिटी या राइट्स की बातें नहीं कर रहे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी तरफ से क्या हो सकता है। और जिस भी समाज में, जिस भी जगह कोई भी हो, वो यूएस भी होता, वो यूरोप भी होता या हिंदुस्तान, जो कि रहा है पहले से जी। रेणुका जी, आपसे जो मैं बातें कर रहा हूँ जी, सद्भाव बढ़ाना, प्यार बढ़ाना जी, समाज में समरसता कायम करना, चूंकि वो परिवारों के माध्यम से संभव है जी। सबसे पहले परिवारों में यूनिटी कायम होती है जी। लोग ड्यूटीज के प्रति ज्यादा जागरूक हों बजाय अधिकारों के प्रति। एग्जैक्टली। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि आपके सारे जवाब या वो आप इन डायरेक्शन में कर रही हैं, जिस इंडियननेस की बात मैंने अंतःकरण में शुरुआत की। बिल्कुल। अभी मैंने आपसे अलग से इस एपिसोड का जवाब पूछा, इसमें अलग से आपसे सवाल किया और आपके जवाब जब आ रहे हैं जी, तो मैं हर चीजों को कनेक्ट पा रहा हूँ जी। एक बात साची ये है कि हम जब परिवार में बैठते हैं, ये सामंजस्य अब क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम परिवार में बैठते हैं तब हम परिवार की बात नहीं करते, हम बैठते हैं, अगर पत्नी भी
काम करते हैं, पति भी काम करते हैं, तो जब बैठते हैं तो काम की बात होती है। पर अगर एक रिलेशनशिप को आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप एक पेड़ को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको उसमें जल डालना पड़ेगा, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर आजकल अगर आप देखिए कि कॉन्वर्सेशंस जो बीच में हैं फैमिलीज के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, करियर को लेकर, केवल इन्हीं चीज़ों में है। ईगो अहंकार, ये किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु है। और अहंकार कब आता है? जब आप दो लोग कोई एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों में कॉम्पिटिशन होता है। पत्नी कहती है मैं 10,000 कमाती हूँ, पति कहता है मैं 12 कमाती हूँ, पत्नी का तुरंत लक्ष्य बन जाता है कम से कम 13 तो कमाना ही है। ये अहंकार है। देखिए, प्रेम जब तक एक रिलेशन, और ये केवल हस्बैंड वाइफ नहीं, एनीथिंग, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई भी धड़ो बिजनेस पार्टनर्स ही हो, जब तक एक दूसरे से प्रेम करेंगे उनका बिजनेस फ्लरिश करेगा। बट द मोमेंट उनके बीच में ये कंपटीशन या ईगो आ जाएगा कि मतलब मैं बेटर हूँ या मैं ही कर रहा हूँ, ये दूसरा कोई नहीं कुछ कर रहा, उसी समय से प्रॉब्लम्स आएंगी और उसका जो बिजनेस है वो गिरने लगेगा। रेणुका जी की बातों से ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो थिन लाइन है उस पर, क्योंकि अक्सर क्या होता है अपने ईगो को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बता के बहुत सारा प्रोटेक्शन लेते हैं और खुद से खुद को डिफेंड करते हैं। एक या कहते हैं हम आत्मग्लानी में नहीं गए, अपराध बोध में नहीं गए, किसी गिल्ट भाव में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो सेल्फ रिस्पेक्ट है शायद ही। बात मैं रेणुका जी से उस थिन लाइन को समझने की कोशिश करूँगा ताकि हमें ऑडियंस को सबको ये समझ में आए कि वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में कितना फर्क है, कितना अंतर है। मैं आपको साची कहूँ, मैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे शब्द में बहुत विश्वास नहीं रखती, क्योंकि एक प्रेमी का, एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति का जो अपने लोगों से प्रेम करता है, उसमें सेल्फ तो कुछ रह ही नहीं जाता। अगर आप अभी भी सेल्फ के बारे में ही सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम अभी हुआ नहीं है। तो अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट, देखिए, आप अगर दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो ज़्यादा बड़ी बात है, रादर देन थिंकिंग कि वो भी मुझे उल्टा रिस्पेक्ट दे। ये तो सौदा हो गया, आप समझ रहे हैं? बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा है इस बात। तो अगर आप सौदा कर रहे हैं तो आप परिवार में नहीं जी रहे, आप तो बिजनेस चला रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना कि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बात जो हम बार बार कहते हैं, ये कहीं भी हमको इम्प्रूव नहीं करेगी। हमारा बिहेवियर, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसको अपने परिवार के साथ मेल खाने में सहायक नहीं होने वाली, उसको विद्रोही करेगी। कहीं भी हम बदतमीजी करेंगे किसी के साथ तो हम कहेंगे ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के विरुद्ध था, इसलिए मैंने ऐसे किया। पर कहीं ना कहीं हम इसको अपनी ढाल बना लेंगे। और आपको मैं साची कहूँ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा जो शब्द है, ये ना तो सनातन में कहीं आता है, क्योंकि सनातन में जैसा कि हमने कहा त्याग, हम रिस्पेक्ट में सेल्फ रिस्पेक्ट लेना नहीं चाहते, हम रिस्पेक्ट देना जानते हैं। हम दूसरे, हम छोटे से छोटे को भी बड़े से बड़ा बनाने की कला रखते हैं, ये हमें सनातन सिखाता है। मतलब उस आप बात कर रही हैं कि देने की, समर्पण की। बिल्कुल, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और फिर भी उससे चाह रहे हैं कि ये मुझे दे, ये मुझे रिस्पेक्ट दे, ये मेरे मुझे लव करे, तो ये आपने प्रेम नहीं किया, ये तो आपने सौदा किया है कि जब तक ये करता जाएगा तब तक मेरा प्रेम है, और जब इसने करना बंद कर दिया तो मेरा प्रेम खत्म हो गया और फिर हम डाइवोर्स कर लेंगे। तो ये तो प्रेम नहीं हुआ। तो इसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम का अर्थ ही देना है। वापसी में आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, उसकी अगर आप अपेक्षा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस प्रेम से वंचित रह जाएंगे। परिवार के जोड़ने की सबसे बड़ी इकाई वो है सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे जो ईगो फैल रहा है जी, उसे लोग समझने की कोशिश करें कि वो गलत हो रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट को बेस नहीं रखें, सम्मान। मैं ये बिल्कुल कहती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब सेंटर है, वो प्रेम नहीं है एक्चुअली। और ये सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि वो सभी एवरी रिलेशनशिप, उसका जो कोर है वो लव नहीं है, वो सम्मान है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में प्रेम सदा रहेगा।
अगर आप ये कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम तो बहुत करता हूँ पर सामने से उसको इंसल्ट करेंगे, उसको आप सबके बीच में ह्यूमिलिएट करेंगे और बाद में कहीं पर यू नो इन द एंड आई लव यू, दैट लव होल्ड्स नो वैल्यू, राइट? तो आपके जीवन में अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन. वो जो है जैसा है, लव रिस्पेक्ट दैट पर्सन द वे ही इज. रिश्तों में कहते हैं कि भक्ति भाव जी या जो हमारे ट्रेडिशन की और कहते हम किसी के लिए समर्पण करते हैं जी, रिश्तों पे कॉन्सेप्ट भक्ति का कैसे लागू हो सकता है? महाराज जी कहते हैं कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को जीवन में उतार लिया ना, तो मरने के लिए आपको स्वर्ग देखने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है. मतलब भक्ति अगर एक गृहस्थ के जीवन में दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए भगवान की, देखिए 1 और 1 11, तो जो ऊर्जा आपकी भगवान को प्राप्त करने की, उसमें जब एक और ऊर्जा जुड़ जाती है तो आप एक तो बलशाली भी ज्यादा है. यही अर्थ है प्रेम का. प्रेम आपको शक्तिशाली बनाता है, प्रेम आपको बलशाली बनाता है. वैसे ही जब भक्ति में आप एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब आपका जो भजन है वो सिद्ध हो जाता है. इसका ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि देने वाला हमेशा मजबूत होता है. बिल्कुल. और भक्ति जो है देना हुआ एक तरीके से. बिल्कुल. हम समर्पण दे रहे होते हैं इसलिए हम मजबूत हैं. मजबूत है. और आपके जीवन में देखिए जितनी चीजों को आप एक प्लेट के अंदर 10 ग्लास रखेंगे वो ट्रे हैवी होगा, पर उसी समय अगर आप 9 ग्लास निकाल देंगे और एक ही ग्लास उस ट्रे में होगा तो उस ट्रे को आप कंपैरेटिवली ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हैं. वैसे ही अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में जितनी अनर्गल बातों को आप धारण करके रखें, प्रॉब्लम केवल उसके लिए है जिसने ट्रे पकड़ी है. जो सामने से देख रहे हैं वो तो आनंद ले रहे हैं, अभी 10 क्लास पकड़े अभी एक, और वो अप्रभावित हैं. ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि भक्ति में अगर आप किसी से रुष्ट हैं, द्वेष में है, सैड है, खुश है, ये केवल अपने लिए है, अपनी मनस्थिति के लिए. अगर किसी व्यक्ति ने आपको 3 गाली दी और वो आगे चला गया, वो तो आगे चला गया, पर अगर आपने उस गाली को धारण कर लिया तो वो आपको मानसिक तनाव भी देगी, शारीरिक तनाव भी देगी. न जाने कितने दिन तक आप उस पर मेडिटेट भी करेंगे, अपना जो काम करते हैं वो भी प्रोग्रेस आप ही की जीरो होगी. तो आपको ये बात बड़ी समझने योग्य है कि हमें जीवन में अनर्गल कुछ भी धारण नहीं करना, क्योंकि अगर हम किसी के बोलने, और अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसके बोलने से आप पर कोई प्रभाव नहीं है. देखिए आप पर प्रभाव तब है जब आपने अपने आप को इतना वीक बना दिया है कि वो जो बोल रहा है आप उसे मान रहे हो कि भाई हाँ जो तू मेरे लिए बोल रहा है वो शायद मैं भी नहीं जानता, मैं जो नहीं जानता वो तू जानता और तू सही बोल रहा है. Correct. बात ये है कि हमें अपने आप के बारे में दूसरों से नहीं जानना है, हमें अपने आप जो हम है उसे धारण करके रखना है. तो भक्ति की शक्ति अभी रेणुका जी की बात से, और बहुत अच्छा है परिवार संस्था को बनाए रखने के लिए, अपने ईगो को दूर करने के लिए, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग के नाम पे हम बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं, उन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने की. तो धन्यवाद रेणुका जी आपका. नमस्कार.